शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन झारखंड विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। विपक्ष सरकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी नोटिस की लगातार अवहेलना किए जाने पर जवाब मांग रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिर ईडी के समक्ष क्यों नहीं जाना चाहते हैं, इस पर भी सदन में सरकार को जवाब देना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि इन तमाम बिंदुओं पर सरकार आखिर क्यों चुप है। इस पर झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि यह सिर्फ मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। दस्तावेज मांगे गए, सारे दस्तावेजों को उन्होंने उपलब्ध कराया ईडी को, तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के इशारे पर मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने की एक साजिश है। और माननीय मुख्यमंत्री ने तो बार बार कहा है कि वो गलत है, तो आकर ले जाए गिरफ्तार करके। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।